हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चेस्ट 50 इंचेस की बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट देखेंगे। चेस्ट है 50 इंचेस, फुल लेंथ है 14.5 इंच, आर्म होल है 6.5 इंच, शोल्डर है 7.25 इंच, फ्रंट नेक है 7 इंच, बैक नेक है 8.5 इंच, स्लीव है 6 इंच, स्लीव की फिटिंग है 7 इंच। ये हमने पीस लिया है। इस तरह से इसको हम लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे। ये रॉन्ग साइड से हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड में करेंगे। पहले हम एक इसको सीधा कट कर लेंगे। इसे हमने सीधा कट कर लिया है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से हम फुल लेंथ लेंगे 14.5 इंच, उसमें हम 1 इंच मिलाएंगे 15.5 इंच। इस तरह से हम 15.5 इंच लेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, शोल्डर है 7.5 इंच, फ्रंट नेक है 7 इंच, उसमें 1/2 इंच मिलाएंगे, सॉरी बैक नेक है 8.5 इंच, उसमें 1/2 इंच मिलाएंगे हम 9 इंच, इसको हम सीधी लाइन देंगे। इस तरह से इसका हमने बॉक्स बनाया। अब यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई पे नेक शेप देंगे। इस तरह से हम पे नेक शेप दिया। आर्म होल है 6.5 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे 7 इंच, 1/2 इंच हम शोल्डर उतर के लिए लेंगे। यहाँ पे हम सीधी लाइन देंगे और 1/2 इंच हम शोल्डर उतर लेंगे। इस तरह से चेस्ट है 50 इंचेस, 50 इंच, उसका हम 1/4 लेंगे, 12.5 इंच भी यहाँ निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। इसे हम सीधी लाइन देंगे। इस तरह से हमें सीधी लाइन दी। यहाँ पे हम मार्जिन पे सीधी लाइन लेंगे। ऐसे ही यहाँ से हम टक्स लेंगे 4.5 इंच पे, ऊपर की ओर लेंगे 5 इंच पे। इसे हम सीधी लाइन देंगे, बैक टक से ये, और 1/2 इंच पे हम इसे 1/2 इंच का टक्स के निशान लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच का टक्स रहेगा। और यहाँ पे हम आर्म होल के शेप के लिए 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से हमें शेप देना है। अब इसे हम कट करेंगे। अगर आपको यहाँ बैक नेक बनाना हो तो आप इसे सीधा कट कर सकते हैं। इस तरह से
इस तरह से सीधा कट कर सकते हैं और यहाँ पे बैक नेक की डिज़ाइन बना सकते हैं इसे, और नहीं बनाना हो तो जो हमने मार्किंग की है यहाँ से इसे कट कर सकते हैं। इसे हम साइड में रखेंगे बैक पार्ट को। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए हम ओपन साइड से यहाँ से इसको ड्राफ्टिंग करेंगे। इसकी जो ओपन साइड है इसके ऊपर हम बैक पार्ट्स को इस तरह से रखेंगे। ये नेक साइड बैक पार्ट का, इसे हम इस तरह से रखेंगे। और इसे ड्रॉ करेंगे। इसे हमने ड्रॉ किया है। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। यहाँ पे 3 इंच भी निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए। फ्रंट नेक है 7 इंच, इसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे, 7.5 इंच। 7.5 इंच भी यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसे सीधी लाइन देंगे। इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच के गोले पे इसे फ्रंट नेक का शेप देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल के लिए शेप देंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए हम यहाँ से 1 इंच भी निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से शेप देते हुए थोड़ा बाहर की ओर लेते हुए इस तरह शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्मोल है और ये हमने ड्राफ्टिंग के लिए बैक आर्मोल की ड्राफ्टिंग की है, तो इसे हमें कट नहीं करना है, यहाँ से कट करना है। अब हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे। क्रॉस पट्टी के लिए हम 3.5 इंच में निशान लगाएंगे। और यहाँ से 2.5 इंच पे ये क्रॉस पट्टी के लिए यहाँ 3.5 इंच और 2.5 इंच पे हम निशान लगाएं और इसे तिरछी लाइन देंगे हम। इस तरह से हमने तिरछी लाइन दी। अब हम यहाँ से शोल्डर का सेंटर निकालेंगे 4 इंच यानी कि 2 इंच सेंटर। यहाँ से ठीक हम जो हमने सेंटर निकाला शोल्डर को, वहाँ से नीचे की ओर क्रॉस पट्टी के ऊपर एक पॉइंट देंगे यहाँ पे, और 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे टक्स के लिए इस तरह से। और उसके साइड में 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने मेन टक सी है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे 5 इंच का 2.5 इंच। इस तरह से हम सेंटर निकाला इसका, और यहाँ से 1 इंच छोड़ के सीधे हम लाइन देंगे यहाँ से इस तरह से। उसे हम 1/4 इंच में निशान लगाएंगे टक्स के लिए। ये 1/4 इंच में निशान लगाएंगे। ठीक इसके सामने ऊपर की ओर 1.5 इंच में निशान लगाएंगे हम यहाँ 1.5 इंच पे,
और यहाँ से आर्म होल की तरफ से हम सेंटर से उसको सीधी लाइन देंगे और क्वार्टर इंच पे हम उसको टक्स का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने क्वार्टर इंच पे निशान लगाया। अब हम चौथा टक्स लेंगे, उसे भी हम इसके सामने से एक इंच पे निशान लगाएंगे और उसे हम यहाँ से तिरछी लाइन देंगे टक्स के लिए और इसे क्वार्टर इंच पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये फोर टक्स तैयार है। इसे सीधा करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से। अब इसे हम कट करेंगे। इस तरह से क्रॉस पट्टी के लिए दूसरे साइड पे हमने निशान बनाने के लिए इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ये रॉन्ग साइड के ऊपर रखेंगे हम। इस तरह से इसको बराबर रखेंगे इसको। इस तरह से बराबर रखने के बाद जहाँ से हमने निशान लगाया उसके ऊपर हम प्रेस करेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ हम सेंटर को थोड़ा कट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ भी निशान आ गया है। बैक के लिए भी हम उसी तरह टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम इसे सेंटर में इसे थोड़ा कट करेंगे बैक पार्ट को और इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसको टक्स का प्रेस करेंगे वो निशान को। इस तरह से हम इसे ये देखिए यहाँ भी इसे निशान आ गया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हम जो बैक पार्ट्स लिया मैंने इसे हम इस तरह से तिरछा पकड़ेंगे 11 इंच। ये बचा हुआ कपड़ा लिए हमने लिया है ये डबल फोल्ड में, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये बंद साइड है और ये ओपन साइड, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। स्लीव की लेंथ है 6 इंच, 6 इंच में हम मिलाएंगे 1.5 इंच 7.5 इंच, तो ये 6 इंच का है। इसे हम 1.5 इंच की 6 इंच नहीं 6.5 इंच चाहिए, तो हम इसे 1 इंच की पट्टी अंदर की ओर फोल्ड करके लगाएंगे। दूसरी पट्टी हम इसे ज्वाइन करेंगे और अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये इसमें यहाँ कम कपड़ा हो गया है तो इसे हम 1 इंच की पट्टी लगा के अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये 6.5 इंच है, ऐसे हम आर्म होल
11 इंच, उसमें 1 इंच मिलाएंगे मार्जिन के लिए। फिर हमने सीधी लाइन दी, अब हम यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच पे यहाँ पे सीधी लाइन देंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका सेंटर निकालेंगे 6 इंच। 6 इंच के नीचे हम आर्म होल की शेप के लिए 1 इंच पे और उसके नीचे हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से हमें शेप देंगे। स्लीव की फिटिंग है 7 इंच, इसमें हम 1.5 इंच मिलाएंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से उसे कट करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से और 2 लेयर उठा के इस तरह से 2 पल्ला उठा के हम इसे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से नीचे की ओर हम जॉइन करने के लिए इसकी साइज की हम 1 इंच चौड़ी पट्टी निकालेंगे। 1 इंच की चौड़ी पट्टी निकालेंगे। अगर कम भरता हो तो इसमें हम जॉइन करेंगे, क्योंकि हमें अंदर फोल्ड करना है। तो इसकी हम 1-1 इंच चौड़ी पट्टी निकाल के इसे जॉइन करेंगे नीचे की ओर। और फ्रंट के लिए यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी जॉइन करेंगे। क्रॉस पट्टी जॉइन करने के बाद इसे हम जो हुक काज पट्टी जो हम निकालते हैं वो 1 इंच की और दूसरी 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी इसकी साइज की निकालेंगे। और यहाँ पे हम नेक को जॉइन करने के लिए क्रॉस पट्टी निकालेंगे 1.5-1.5 इंच की और उन्हें जॉइन करके एक लंबी पट्टी बनाएंगे और उन्हें यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से ये बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग तैयार है। ये हो गया है 50 इंचेस का बेल्ट वाली ब्लाउज की ब्लाउज कटिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।